अगर दो तरह के बर्न होते हैं, अगर फ्लेम बर्न होता है या करंट बर्न होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नब्सो लाइव, आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो अमूमन कॉमन टॉपिक है, वो डिजीज से रिलेटेड है। क्या है, देखा जाता है कोई भी अंग शरीर का चल जाता है तो अमूमन देखा जाता है एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और महिलाओं में अक्सर देखा जाता है खाना बनाते बनाते हाथ जल जाना, उंगली जल जाना, इवन करंट लग जाना। करंट से भी जो जलने से एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तुरंत राहत कैसे मिले, थोड़े दिन में राहत कैसे मिले, इन सारी बातों की आज मैं डिबेट करूंगा। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, पहले हम परिचय लेते हैं, एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं सभी नबछोर के श्रोतागणों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ, और मैं यहाँ पर डाबरा चौक पर गोयल हॉस्पिटल और सौंदर्य मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पर अपना सेवाएं दे रहा हूँ पिछले 5 सालों से। तो मैं एक MCH प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैंने अपनी MBBS ग्रेजुएशन की है, उसके बाद MS जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी MCH डिग्री अहमदाबाद से मैंने की है। तो आज का जो विषय है, इतनी डिग्रीज आपने करी है, पूरा मैं कहूँगा पूरी स्पेशलाइज्ड ले रहे हैं आप। हाँ जी, मतलब स्पेशलाइज्ड हैं आप। जो आज का विषय है उस पर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, जो आज का विषय है ये है बर्न्स का विषय है। जो बर्न्स का जो एक टॉपिक है, काफ़ी एक आज की डेट में भी ऐसा टॉपिक है जो एक काफ़ी निगलेक्टेड टॉपिक है। मतलब लोगों को आज की डेट में भी मैं देखता हूँ लोगों को इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। बर्न का ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत ही स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो चुका है, पर अमूमन ये देखा गया है कि लोगों को इसके बारे में आज भी ज्ञान नहीं है, या तो हम ही में कुछ कमी है कि हम इसको अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर पर पेशेंट जो बहुत ही आउटस्कर्ट्स में या गांव में दूर रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत मिसमैनेज रहता है। आमतौर पर बर्न का ट्रीटमेंट होते ही प्राइमरली जो भी आपके पास घर पे पानी या कोई भी क्रीम या कोई भी लेप हो, इमीडिएटली लगा के उसको डॉक्टर के पास, तुरंत एक स्पेशलाइज डॉक्टर के पास आमतौर पर जाना चाहिए। पर होता क्या है कि आमतौर पर लोग गाँव में या घरों में ही उसी का अपने आप से किसी यार दोस्त ने, किसी पड़ोसी ने, कोई और किसी ने कुछ बोलने से वो अपने आप ही इलाज करते रहते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो एक नॉर्मल मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ होती है वो बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है, जैसे गांव की आपने बात करी, गांवों में घरेलू नुस्खे बहुत चलते हैं, जैसे ही वन होता है उसी समय वो घरेलू नुस्खे करते हैं, और कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो पार्ट जो है बॉडी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डैमेज होने का कारण यही होता है कि जो उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो आज से आप मान लीजिए 20-30 साल पहले जो फैसिलिटीज़ थी, उस समय इतना बर्न का ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो उस समय लोगों को जो भी घरेलू नुस्खा मिलता, जो भी उपाय मिलता, उसी से वो उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते थे। और उस चक्कर में क्या होता था कि वो अंग तो ख़राब होता ही होता था, और अधिकतर केसों में मरीज़ की जान भी चली जाती थी, क्योंकि वो इन्फेक्शन से फैलने से सारा सेप्टिसीमिया हो जाना, और उस चक्कर में पेशेंट की जान को काफ़ी नुकसान होता था। पर आजकल हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही एक स्पेशलाइज, बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है। अगर पेशेंट टाइम से हमारे पास पहुंच जाता है तो हम मैक्सिमम केसेस में उसका बिना ऑपरेशन से ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। जी, आमतौर पर आजकल के दो तरह के बर्न ज़्यादा प्रचलित हैं, एक तो फ्लेम बर्न जो एकदम आग लगने से होते हैं, और दूसरे तरह के बर्न जो होते हैं वो है इलेक्ट्रिक बर्न्स, जो बिजली का तार से झटका लगने से कई बार आपने देखा होगा लग जाता है। तो और एक बहुत ही कम वैरायटी का बर्न होता है, वो होता है केमिकल बर्न, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या जो लोग ये खेतों में केमिकल्स और फर्टिलाइजर से, उनको भी उससे होते हैं। पर मेन तौर पर ये फ्लेम बर्न, मतलब आग से, और इलेक्ट्रिक, ये ज़्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, राहत के लिए, तुरंत राहत के लिए या कम समय में इसका इलाज कैसे हो? तुरंत राहत के लिए तो जो फ्लेम बर्न होता है, जिसमें मान लो आग लगने से जो जलन होती है, उसमें तो तुरंत यही होता है कि तुरंत ही जो भी आसपास पानी का कोई भी स्रोत है, घर में कोई नल है या कोई भी पानी का, फ्रेश पानी का कहीं पे भी स्रोत है जहाँ पे आपका टैंकी का पानी जो आ रहा है, उसमें उसको तुरंत उस पार्ट को भिगो देना चाहिए ताकि वो जलन से आपको राहत मिल जाए। और उसको भिगोने के बाद तुरंत आप उसको कोई साफ कपड़े में लपेट कर पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाइए। और जो इलेक्ट्रिक बर्न है उसमें तो तुरंत ही आपको पेशेंट को फटाफट हॉस्पिटल की तरफ ही जाना पड़ता है। क्या इलेक्ट्रिक बर्न में भी ये जो आप बता रहे हैं पानी वाला ट्रीटमेंट, उसमें भी होता है इलेक्ट्रिक? कारगर इतना कारगर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है वो करंट अंदर से ट्रेवल करके जलन करता है, ऊपर से जलन कम होती है,
वो अंदर से करंट अंदर से हमारी बॉडी के अंदर से नसों के थ्रू होते हुए जाता है, तो उसको जलाते हुए जाता है अंदर, तो अंदर से ज़्यादा क्षति करता है वो, तो बाहर से वो क्षति बाद में पहुँचती है, तो मेन उसमें इतना कारगर नहीं है। जो जलन हो, जो फ्लेम बर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो आग से होती है, ज्वाला से होती है, वो ऊपर से हमें इफेक्ट करती है। तो मगर फ्लेम बर्न की बात आती है, जैसे अपर लेयर की आपने बात करी, फ्लेम बर्न में देखा जाता है लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं, टूथपेस्ट कितना मतलब सही साबित होता है इसमें? सर घर पे कोई भी किसी भी तरह की मलम हो, टूथपेस्ट हो, कोई भी क्रीम हो, कोई भी मॉइस्चराइजर हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो ठंडक प्रदान करती है आपको, और आपको जो बर्न का कोई भी एरिया है वो उसको ढक देता है, तो उससे आपको जो सिंपल हवा भी अगर चलती है तो हवा से भी दर्द होता है। तो कोई भी किसी भी तरह का अच्छा लेप, मतलब मसलन वो तेल नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील वस्तु नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब घी नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा टूथपेस्ट, क्रीम, मॉइस्चराइजर, कोई भी फेस क्रीम, कुछ भी आप एक बार लगा सकते हैं राहत पाने के। और जो करंट से करंट बर्न होता है उसमें आप तुरंत आपको फर्स्ट एड बर्न में तो एकदम से उसका यही होता है कि आप तुरंत आपको हॉस्पिटल, क्योंकि करंट में सिर्फ जला नहीं होता, वो सारा शरीर आपका डैमेज, करंट जहाँ से एक हिस्से से निकले घुसेगा और कहीं ना कहीं से वो बाहर भी निकलेगा, तो सारे शरीर को जहाँ से भी वो पास हुआ है वो डैमेज करते हुए जाएगा जी, तो उसमें सारे बॉडी को खतरा होता है, इसलिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। सुना प्रिय दर्शकों, आज का जो टॉपिक था कि बॉडी का कोई अंग जल जाता है, हम अमूमन देखते हैं लंबा ट्रीटमेंट करते हैं, देसी जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसे अपनाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर दो तरह के बर्न होते हैं, अगर फ्लेम बर्न होता है या करंट बर्न होता है, फ्लेम बर्न में आपको टूथपेस्ट या घर में कोई भी क्रीम हो उसको अप्लाई करना है जिस पार्ट पे हो रहा है, और उसके बाद अगर नहीं हो नील, अगर आपके पास टूथपेस्ट नहीं है, क्रीम नहीं है, तो नल के नीचे फ्लोवा वाटर के नीचे आपको बैठ जाना है, उस अंग को रख लेना है, उस बॉडी पार्ट को रख लेना है। और करंट फ्लेम के, करंट बर्न के अंदर आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करना है। तो चलिए, ये तो थी एक ट्रीटमेंट की बात, अब मैं इनसे पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि हॉस्पिटल कहाँ है और कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, बिना सर्जरीज के कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है बिना सर्जरीज के ट्रीटमेंट करना। जी सर, हॉस्पिटल ये वैसे गोयल हॉस्पिटल डाबरा चौक पर स्थित है, काफ़ी मेन लोकेशन पर है ये, ऑलमोस्ट 1986 से यहाँ पे एस्टेब्लिश है। तो हम जो अपनी सेवाएं प्लास्टिक सर्जरी की दे रहे हैं वो पिछले 5 सालों से यहाँ पर दे रहे हैं। और जहाँ पर आपने ट्रीटमेंट की बात पूछी, तो बेसिकली जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तभी ज़रूरत पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मतलब मात्रा में कोई मतलब ऐसे जल गया है कि बहुत ज़्यादा उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि अगर पेशेंट तुरंत जलने के तुरंत बाद और शीघ्र अतिशीघ्र, जैसे जो मैंने चीज़ें बताई, पानी के नीचे बैठ जाना या पानी में अंग को डुबो देना और उसके बाद उसको कवर करके शीघ्र हॉस्पिटल आ जाएं, तो अधिकतर केसों में देखा गया है कि बिना सर्जरी के वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर्जरी तभी करनी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा चमड़ी की जो परत है वो जल जाए। एक सुपरफिशियल बर्न होता है, एक डीप बर्न होता है। डीप बर्न इलेक्ट्रिक बर्न्स के अंदर बहुत कॉमन है। तो सुनने में ये आता है, जो डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल है, आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, बिना सर्जरी के इलाज करता है, वो भी कामयाब कर देता है, ऐसा क्या है? सर वो उसमें मेरा कोई इतना योगदान नहीं है, वो तो एक बेसिकली पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास पहुँच जाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो मिसमैनेज नहीं होते। कई बार पेशेंट जलते बहुत थोड़ा है, सुपरफिशियल बर्न होता है, पर वो जैसे आप बताए घरेलू नुस्खे करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें वो जो परत है वो डैमेज ज़्यादा हो जाती है, तो उस चक्कर में फिर हमें वो ऑपरेशन करके ही उसको ठीक करना पड़ता है जी। अगर पेशेंट तुरंत जलने के साथ साथ ही हमारे पास आ जाए तो उसको पट्टियों से, दवाइयों से और रेगुलर केयर से हम उसको बिना, अधिकतर केसों में बिना सर्जरी के हम उसको ठीक कर पाते हैं जी। तो सुना प्रिय दर्शकों, बात यही आती है, अगर आप घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो जो आपकी लेयर है, लेयर और बर्न होती जाएगी और बर्न होती जाएगी, एट द एंड क्या होगा, आपको सर्जरी करानी होगी। तो डॉक्टर साहब से जो डिस्कशन हुआ यही है कि जब भी आपका देखा जाता है, कभी आप बना कोई कुक कर रहे हैं, वुमेंस में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है, तुरंत उनकी हाथ जलने लग जाते हैं, कोई भी बॉडी का पार्ट जो होता है जलने लग जाता है। और उसके अलावा अगर कहीं आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है, अमूमन जो शेफ़ होते हैं उनके साथ भी घटित होता है। तो कहने के बाद ये है कि कोई भी बर्न होता है, फ्लेम बर्न होता है, तुरंत क्रीम अप्लाई करनी है, टूथपेस्ट अप्लाई करनी है और नल के नीचे बैठ जाना है जो बर्न पार्ट है, और करंट बर्न के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करना। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था, तुरंत राहत कैसे पाएं, तुरंत राहत तो ये है, मगर ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएं, डॉक्टर के पास जाना है, मगर इनिशिएट जो आपका फर्स्ट एड है यही बनता है, क्रीम लगाएं, टूथपेस्ट लगाएं, बर्न फ्लेम बर्न की बात है, नल के नीचे बैठ जाएं। अगर करंट
फ्लेम करंट फ्लेम है तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करना हो। ऐसे ही आपने डॉक्टर साहब बताया, तो चलिए डॉक्टर साहब से एक शॉर्टकट में हम मैसेज लेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जो हमारे श्रोता देख रहे हैं? मैं नवशोर के सभी श्रोताओं को यही सलाह दूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह से, बेसिकली तो ये जागरूकता एक बात, एक टॉक चल रही है हमारी, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि बर्न के बारे में जागरूकता बहुत कम है, लोग खुद से ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और अधिकतर केसों में हमारे पास जब लेके आते हैं तो वो कंडीशन बिगड़ चुकी होती है। तो बेसिकली मैं जागरूक ये करना चाहूँगा कि बर्न को आप सीरियसली उसको डील करें। आज के युग में जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमारे पास मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उनको अपनाएं और आप भी परेशानी से बचें। और क्योंकि आपको सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा परेशानी होती है उसके अंदर। सर्जरी में क्या होता है कि हमें अगर मान लो कोई चमड़ी ज़्यादा चल गई है तो उसको निकाल के वहाँ पे कोई चमड़ी लगानी पड़ती है, दूसरे हिस्से में से चमड़ी उठानी पड़ती है, या कहीं से मोटा मांस लेकर लगाना पड़ता है, तो वो आपको डबल डबल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। और यही अगर आप टाइम से हमारे पास आ जाएँ, टाइम से कोई जला हुआ मरीज, एक बार प्राइमरी कंसल्टेशन ज़रूर ले, मतलब किसी भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ज़रूर एक प्राइमरी कंसल्टेशन हर बर्न पेशेंट को ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है वो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं कि नहीं कराते, पर प्राइमरली एक सबसे अनुरोध यही रहेगा कि बर्न के लिए आप हमेशा एक बार ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको अनावश्यक सर्जरी से आप बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं बता देता हूँ, मेरे साथ डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल, बहुत ही डिग्री है, अगर मैं डिग्रीज़ की बात करूँ तो मुझे 5 मिनट और लेने होंगे। आप बड़े ही वेल क्वालिफायर को स्पेशलाइज इन बर्न और सर्जरी में भी स्पेशलाइज है। इनका कहना यही है कि अगर आप कहीं आपका शरीर का कोई अंग जल जाता है या करंट से हो जाता है, फ्लेम बर्न हो जाता है या करंट बर्न हो जाता है, करंट फ्लेम हो जाता है, तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना होगा, ये ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 20 दिन बाद अगर आप जाए आपका जो डैमेज पार्ट है ज़्यादा हो जाए, बॉडी का जो पार्ट है ज़्यादा डैमेज हो जाए, सर्जरी के लिए जाना हो। तो फिर से मैं बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका यही है, आपको इनिशियली अगर फ्लेम बर्न हो जाता है क्रीम लगानी है, टूथपेस्ट लगानी है और नल के नीचे बैठना, साथ साथ करंट फ्लेम होता है तो उसमें जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसर्न करना है। तो प्रिय दर्शकों, एक पार्ट का जब कोई अंग जल जाता है, बॉडी का कोई अंग जलता है, तो उसको कैसे तुरंत राहत करें, तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे नवशोर लाइव पे। तब तक के आगे के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त, आपका दोस्त माइक, धन्यवाद, जय हिंद।